शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं स्टोरी आप सभी के लिए लेकर आया हूँ उसे सुनकर आप सभी की रूह कांप जाएगी। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती, कोई काम करने का मन नहीं होता, किसी से भी बात करने का दिल नहीं होता। बस मुझे इतना पता है कि मुझे जीना भी नहीं अच्छा लगता। क्या करना है जीकर जब फाइनली हर इंसान को मरना ही है। अभी तो मैं बस 35 साल की हूं, अगर एवरेज लाइफ भी जीऊं तो लगभग इतने ही साल मुझे और जीना है। मैं थक गई हूं जीते जीते, यह अल्फाज मेरी बीवी मेरे सामने कह रही थी और मेरा मन बार बार पीछे की तरफ दौड़ रहा था। मेरी शादी हुए 10 साल बीत गए थे, मैं सरकारी पद पर काम कर रहा था, अच्छी तनख्वाह, 2 बच्चे और घरेलू बीवी के साथ मैं खुश था। मगर मर्दों वाली फितरत से खुद को नहीं बचा सका और एक पराई औरत के लेयर्स कट जुल्फों में जानबूझ के फंस गया। शादी का एक दशक खत्म हो चुका था और मेरी बीवी पत्नी कम माँ ज्यादा बन गई थी। अब उसका वक्त मेरा ना होकर बच्चों का हो गया था। उनकी पढ़ाई, उनकी देखभाल, बस बच्चे ही उसका केंद्र बन गए थे। मैं खुद को अनदेखा महसूस करता था, जबकि वो बेचारी तो मेरे ही बच्चों के लिए हलकान होती है। अब अगर कहीं बाहर जाना होता या लेट नाइट मूवी जाना होता तो वो बच्चों का रीजन देती, ज्यादा जोर दो तो लड़ाई हो जाती, फिर एक आधा हफ्ता बातचीत बंद भी हो जाती थी। मैं ठहरा जिंदगी इंजॉय करने वाला शख्स। मुझे उसके अम्मा टाइप वाले रवैये से चिढ़ होती थी। मेरा ज्यादा वक्त अब सोशल साइट पर बीतता, लोगों के हंसते मुस्कुराते फोटोज देखकर मेरा दिल भी मुझसे यही चाहता था कि मैं भी अपनी लाइफ इंजॉय करूं। मुझे इन लोगों को देखकर जलन भी होती है और शिकायत भी कि काश मेरी भी कोई मॉडर्न सी बीवी होती जो बिंदास लाइफ जीती। अपनी शादी के समय मैं सवर्ण कुमार बन गया था और माँ बाप की पसंद के आगे सर झुका दिया था। शुरू शुरू में तो सब अच्छा था, मगर शादीशुदा जिंदगी की चमक बरकरार रखने में पति पत्नी दोनों का योगदान जरूरी होता है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर मैं उससे शिकायत भी करता तो वो उनको दूर करने के बजाय मुझे खुद गर्ज होने का ताना देती थी। मैंने उससे कहना ही छोड़ दिया और अपनी ख्वाहिश किसी और तरह पूरी करने का सोचने लगा। मैंने इसके लिए सोशल साइट का सहारा लिया और अपने ही शहर की एक स्मार्ट सी लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और उसने कबूल करते हुए मुझसे बातें शुरू कर दी। बातें शुरू हुई तो मिलने की मंजिल तय हुई। 2 हफ्ते के अंदर वो मुझसे मिलने आ चुकी। 25-26 साल की काजल नाम की लड़की काफी बिंदास और हाजिर जवाब थी। उसके साथ भी यही समस्या थी जो आमतौर पर मध्यवर्गीय परिवार में होती है। सफेद पोश लोग जो कि जैसे तैसे जरूरतों को पूरी कर लेते हैं, मगर मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती। काजल का भी ब्याह नहीं हो पा रहा था, कहीं भारी दहेज की डिमांड तो कहीं लो इनकम बॉय। वो इंतजार में इतने दिन काट रही थी। मुझे ये सुनहरा मौका लगा कि चलो जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती अपनी बिंदास गर्लफ्रेंड वाली हसरत पूरी कर लूं, और वो भी जैसे तैयार बैठी थी। हमारी बातें बढ़ती गई, सुबह की गुड मॉर्निंग लेट नाइट बातों में बदल गई, मुलाकातें होती
होटलिंग, मूवीज, लॉन्ग ड्राइव जाते। उसको पता था कि मैं शादीशुदा दो बच्चे का बाप हूँ, पर फिर भी वो मुझ पे मेहरबान होती चली गई। अपने शादीशुदा होने के नेगेटिव पॉइंट को कम करने के लिए मैं उस पे खुलकर खर्च करने लगा था। इन नाज नखरों और अदाओं में कब 2 साल बीत गए पता ही नहीं चला। इधर काजल की भी शादी नहीं हो पा रही थी। अब तो उसने 30 बरस भी पार कर लिए थे। कुछ दिनों से वो मुझे ज़्यादा ही प्यार दिखाने लगी थी और इशारों इशारों में शादी की बात भी करने लगी थी। शायद उसको भी अपने फ्यूचर की फिक्र होने लगी थी। फिर एक दिन उसने मुझसे खुलकर शादी की बात की। बकौल उसके, एक तो पहले ही उसकी शादी में अड़ंगे थे, अब मेरे साथ घूमने फिरने की वजह से वो बदनाम हो रही थी। इसलिए मुझे उससे शादी के बारे में सोचना चाहिए। मैंने उसे समझाया कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी नौकरी भी सरकारी है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। उसने मुझे तलाक का मशवरा दिया, मगर मैंने उसे यह रीज़न देते हुए चुप करा दिया कि तलाक किस रीज़न पे लूँ। तलाक से मेरे बच्चों पर असर होगा और खुद मेरे अंदर भी। इतनी हिम्मत नहीं है कि कोर्ट के चक्कर काटूं। काजल एक अच्छी दोस्त थी, उसके साथ मैं इंजॉय करता था, लेकिन शादी वगैरह एक बखेड़ा थी, इसमें काफ़ी जिंदगियां बर्बाद हो जाती। मैंने तो काजल से रिश्ता रखते हुए इस बात का खास ख्याल रखा था कि बीवी को शक ना होने पाए। इस केस को स्मार्टली हैंडल करने की वजह से अक्सर मैं खुद को शाबाशी देता था। काजल से ज़्यादा बात करने की वजह से मैं उसमें इन्वॉल्व होता जा रहा था। वो मेरे गले की एक ऐसी हड्डी बन रही थी जिसे ना तो उगलते बन रहा था ना निगलते। शादी का प्रेशर बढ़ रहा था। एक दिन मैंने झल्ला कर उसको कह दिया कि ना मैं तलाक ले सकता हूँ ना ही मर्डर कर सकता हूँ। मर्डर इसलिए कह दिया कहीं वो क्राइम पेट्रोल से इंस्पायर होकर मुझसे मर्डर करने को ना कह दे। पहली पत्नी के रहते अगर दूसरा ब्याह रचा भी लिया तो मेरी नौकरी भी जाएगी। उसने मेरी बात खत्म होते ही कहा कि अगर तुम्हारा पीछा अपने आप तुम्हारी बीवी से छूट जाए तो। मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसने मेरी उलझन समझ के बात शुरू की, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस तुम देखना कि किस तरह हमारी शादी होगी। तुमने काले जादू के बारे में सुना है क्या? वही हमारी मदद करेगा। तुम तो कुछ करोगे नहीं। अब तुम मुझे मत रोकना, मैं ज़्यादा धार्मिक नहीं था। अगर धार्मिक होता तो परिवार धर्म का पालन करता और यह भारी भूल ना करता। जादू टोने में मुझे कोई विश्वास नहीं था, मगर उसका मन रखने के लिए मैंने उससे पूछा कि ये कैसे हो सकता है। उसने मुझे बताया कि उसकी एक दोस्त आसाम की है। आसाम में एक जगह है मायोंग, जिसका मतलब माया होता है, और वो काले जादू का गढ़ है। यह शहर महाभारत काल से भी पुराना है। पूरी दुनिया में जादू यहीं से फैला है। वहाँ आज भी डायने होती हैं जो कि काले जादू में माहिर होती हैं, और उनके जादू का कोई तोड़ नहीं होता। यहाँ मौखिक शिक्षा से काला जादू पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया जाता है। उसकी दोस्त की बुआ इसमें दक्ष हैं और वही यह काम करेंगी। मुझे उसके बचकाने रवैये पर हंसी आई, मगर फिर भी मैंने हंसी कंट्रोल करके उससे पूछा, क्या दोस्त की बुआ चुड़ैल है? उसने सीरियस अंदाज में मुझे देखते हुए कहा, चुड़ैल नहीं डायन। तुम्हें चुड़ैल और डायन का फर्क नहीं पता, हैरत है। चुड़ैल मरने के बाद बनते हैं और डायन जिंदा औरतें होती हैं जो जादू टोना सीख कर बनती हैं। बस जो मैं तुमसे मंगवाऊं, तुम बस वो मुझे लाकर दे देना। उसकी पिशाचोपीडिया की रिसर्च बहुत अच्छी थी। मैंने बेवकूफ़ी की बहस आगे ना बढ़ाते हुए बात ख़त्म कर दी। दूसरे दिन जब हम मिले तो उसने मेरी पत्नी की फ़ोटो मांगी। मेरे पास तो थी नहीं, मैंने उसे फेसबुक से लेने को कह दिया। फिर उसने मुझसे ऐसी गंदी चीज़ मांगी जिसे सुनते ही मुझे घिन आ गई और मैंने साफ मना कर दिया। उसके काफ़ी कहने पर भी मैं राजी नहीं हुआ,
तो उसने मुझसे मेरे घर की काम वाली की टाइमिंग पूछी। वो मैंने बता दी। अब रोज वो मेरे घर के पास वाले बस स्टॉप पर बैठकर मेरी काम वाली को देखती और जब वो कचरे के डिब्बे में घर का कचरा फेंक देती तब वो उस कचरे में मेरी बीवी के महीने का कपड़ा ढूंढती। थोड़े दिन के बाद उसे वो चीज़ मिल गई और उसके बाद जो हुआ वो काफ़ी भयानक और डरावना था। इस बात के कुछ ही दिन बीते थे और उसके काले जादू ने असर दिखाना शुरू कर दिया। पहले जब मैं ऑफिस से घर आता था तो घर में रौनक और चहल पहल रहती थी। बीवी बच्चों को पढ़ा रही होती थी, कभी डांट रही होती थी, बच्चे भी इधर उधर कूदते फिरते थे। मगर आजकल घर जाओ तो अजीब सी मनहूसियत लगती। मेरी बीवी कमरे में लाइट बंद किए पड़ी रहती, बच्चे या तो टीवी देख रहे होते या फिर कमरे में कुछ कर रहे होते। खाना मैं खुद निकाल के खाता और बच्चों को भी खिलाता। जब बीवी को बुलाता तो वो भूख नहीं या फिर बाद में खा लूँगी कहकर टाल देती। सुबह भी वो बेनाम सी उठती और किसी तरह बच्चों को स्कूल भेजती। उसकी पहले जैसी चुस्ती और चटक खत्म होती जा रही थी। जब मैं उसकी खैरियत पूछता तो बस इतना कहती कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। दिन बीत रहे थे और वो घर की तरफ से लगातार लापरवाह होती जा रही थी। अब कामवाली बाई पर सारा घर था। बच्चे भी शिकायत करते कि मम्मी हमारा काम नहीं करती, बस लेटी रहती हैं। पहले मेहमानों के लिए वो एक अच्छी मेजबान होती थी, मगर एक दिन जब रिश्तेदार मिलने आए तो उसने कमरे से कदम तक बाहर ना निकाला। मेरे साथ साथ मेहमान भी शर्मिंदा हो गए थे। मैं काफ़ी इरिटेट हो गया था, घर में उलझने लगने लगी थी। मैंने उससे बात करने का फैसला लिया। काफ़ी दिन बाद उसे गौर से देखा, आंखों के नीचे काले घेरे और थकी हुई सी शकल। उसे देखकर मेरा दिल थोड़ा पसीजा, लेकिन कड़क होना भी जरूरी था। मैंने उसे डांटते हुए पूछा कि ये रोज का क्या तमाशा लगा रखा है, तुम्हारी तबीयत हमेशा खराब रहती है तो डॉक्टर को दिखाओ, इस तरह से तो कुछ नहीं होगा। अगर वो पहले की तरह होती तो मेरे डांटने पर लड़ना शुरू कर देती, मगर वो खामोशी से खला में घूमती रही। फिर थोड़ी देर बाद बोली, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरे सारे शौक खत्म होते जा रहे हैं, काम करने के लिए खुद को धकेलना पड़ता है, नहाना और खाना तक बोझ लगने लगा है, मैं पैदा ही क्यों हुई, रोज खाओ पियो काम करो सो जाओ फिर एक दिन मर जाओ, जब हमें मरना ही है तो फालतू में तकलीफ उठाकर क्यों जिए। यह बच्चे भी मुझे बड़े होकर ना ही पूछेंगे, दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब कुछ भ्रम है। मुझे वो एक मानसिक रोगी की तरह लगी। मैंने उसे काफ़ी समझाया कि वो मेरे कमरे से निकले, बाहर घूमे, फिर अपने आप को बिजी रखे। वो सिर्फ सुनती रही, बोली कुछ नहीं। जो भी था तो वो मेरे बच्चों की माँ, और उस वक्त तक तो मुझे जादू टोने पर भी यकीन नहीं था। घर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब तो बच्चों के स्कूल भी छूट जाते क्योंकि पत्नी सुबह उठ नहीं पाती थी। कभी जाते भी तो वापस आकर पूरे दिन भूखे बैठे रहते क्योंकि घर में खाना ही नहीं बना होता था। घर में जैसे उल्लू बोलने लगे थे, हर चीज़ का हाल बेहाल था। मैं घर और ऑफिस में बुरी तरह उलझा हुआ था, काजल को भी टाइम नहीं दे पा रहा था। एक दिन वो फ़ोन करके मुझसे लड़ने लगी कि अब मैं उसे इग्नोर करने लगा हूँ। मैंने उसे मनाने के लिए अपने घर का हाल बताया कि इस तरह बीवी की वजह से परेशान हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। इतना ही सुनते ही वो उत्साहित स्वर में बोली, देखा मैंने कहा था ना कि पीछा अपने आप छोड़ जाएगा, बस कुछ दिन के अंदर हमारा काम हो जाएगा। उसके इस तरह कहने पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे मन में सवाल उठा, क्या सच में काली विद्या अपना असर दिखा रही है? काजल से मैंने रिश्ता जरूर रखा था, मगर उससे शादी का कोई इरादा नहीं था, इसलिए शुरू में ही मैंने उसे
बता दिया था कि मैं विवाहित हूँ। मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार था, शादी की जिद उसने पकड़ी थी। मैंने उसे शादी ना करने की वजह भी बताई थी और उसका दिल रखने के लिए जादू टोड़ने की बात मान ली थी, क्योंकि मैं खुद भी इस पर यकीन नहीं रखता था। मेरे अनुसार ये करने से कुछ होता तो नहीं, और काजल को भी लगता कि कोशिश तो की थी शादी करने की मगर कुछ हुआ ही नहीं। फिर हो सकता है कि वो शादी की जिद छोड़ देती। जो भी था, मेरे अपने फायदे के लिए कोई इंसान बीमार होता जा रहा था। मुझे आत्मगलीन होने लगी। मैंने फैसला लिया कि आज ही बीवी को किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाऊंगा। शाम को मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास गया और उसने वो सब कहा जो मैंने कहानी में शुरू में आपको बताया है। डॉक्टर ने थायराइड टेस्ट बोला और मेजर डिप्रेशन डायग्नोज किया। डॉक्टर ने एंटी डिप्रेसिव दवाइयाँ दी और मुझे खास हिदायत दी कि दवाई में कोई कटौती ना करूं। उसके मुताबिक अगर ये कंट्रोल ना किया गया तो मर्ज और खतरनाक हो जाएगा, हो सकता है ये आत्महत्या तक कर ले। उसने कुछ काउंसलिंग सेशन भी रखे और ताक दी कि मैं अपनी वाइफ को काउंसलिंग के लिए जरूर लाऊं। दवा लेकर घर वापस आ गए। खाने से निपट कर मैं सबके सोने का इंतजार करने लगा कि काजल से बात करूं और उससे यह सब करने से रोकूं। यह बात तो साफ थी कि कुछ दिन पहले तक तो मेरी पत्नी अच्छी भली थी, उसकी ऐसी हालत काजल के जादू टोने वाली बात के बाद हुई। तो क्या सच में यह सब होता है? अगर वो अपने मतलब के लिए किसी के साथ ऐसा कर रही थी तो कल को क्या पता मेरे ऊपर भी यह सब कर दे। यार, मैं यह सब किस चक्कर में फंस गया? मैंने उसे फ़ोन लगाया और छूटते ही कहा, यार बंद करो ये टोना टोटका, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। इन परेशानियों में दूसरी तरफ से वो बोली, अरे वाह, ऐसे कैसे हो सकता है? टोना कभी वापस नहीं लिया जा सकता है। जो होना था वो तो हो गया। यह काला जादू है, इसका कोई तोड़ नहीं होता। मैंने उसे धमकाते हुए कहा, यह सब मैं नहीं जानता। अगर तुमने यह खत्म नहीं किया तो मैं तुमसे ही अपना रिश्ता खत्म कर लूँगा। तुम बहुत ही मतलबी औरत हो, अपने फायदे के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। तुम जबरदस्ती शादी के पीछे पड़ रही हो। मैं अपने बच्चों का भविष्य नहीं बर्बाद करने वाला। मैं शादी वादी नहीं करूँगा। अच्छा, मैं मतलबी हूँ और तुम क्या हो जो शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी औरतों को फंसाते फिरते हो? गेट लॉस कहकर उसने फ़ोन काट दिया। जब आप परेशानियों से घिरते हो तो रोमांस और दिल लगी बहुत ही बुरी लगती है, इसलिए अब काजल का ख्याल तक बुरा लगता था। घर में बीवी का अजीब हाल हो रहा था। अगर उसे दवाई दे दूं तो खा लेती, वरना वैसी ही पड़ी रहती। ना बच्चों से बात करती, ना नहाती ना धोती, बस खामोश बैठी सोचती रहती या फिर घंटों सोती रहती। सोने से रोको तो कहती, मेरा मन बहुत उदास सा रहता है, सोकर लगता है मैं मर गई हूँ, दुनिया से दूर चली गई हूँ, मुझे कुछ भी देखना अच्छा नहीं लगता, जागे रहो तो बस थकान सी लगती है, इसलिए सो जाती हूँ। कभी कभी खुद से बड़बड़ा कर बातें करती है और धीरे धीरे हंसती। बच्चों की मानसिकता पर गहरा असर हो रहा था और वो अपनी माँ से डरने लगे थे। मैंने उसे काउंसलिंग पर ले जाने की बहुत कोशिश की, मगर वो किसी तरह जाने को तैयार नहीं हुई। जब वो थोड़ा ठीक होती तो रोते हुए कहती कि उसे खुद को ख़त्म करने की बहुत इच्छा होती है, उसका दिल उसे बार बार मरने के लिए उकसाता है। उसे लगता है कि उसका मन एक दिन उसे मरने पर मजबूर कर देगा, वो आत्महत्या कर लेगी। तब मैं उसे समझाता, काउंसलिंग पर चलने के लिए कहता, मगर जब जाना होता तो फिर वो ना जाने पर अड़ जाती। अंग्रेजी इलाज के साथ साथ मैंने रूहानी इलाज भी कराया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस यही डर लगा रहता कि कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। उसके साथ हर वक्त किसी का रहना ज़रूरी था, लेकिन
कब तक मैं नौकरी छोड़ के उसके साथ बैठा रहता। अब मैं उसके साथ हमदर्दी रखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। मैं कर भी क्या सकता हूँ सिवाय पछताने के। मुझे समझ आ रहा था कि अगर किसी का घर बर्बाद करना हो तो उस घर की औरत को निशाना बना दो, घर अपने आप बर्बाद हो जाएगा। बस इन सब में एक अच्छी बात हुई कि काजल की शादी एक कनाडा के एक आदमी से हो गई और वो मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल गई। मैंने अपनी फजूल ख्वाहिशों और सोशल साइट की झूठी चकाचौंध से अपना घर खुद बर्बाद किया था। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आता कि अगर काली शक्ति है तो उससे बचाने के लिए भगवान भी हैं, और अगर भगवान का अस्तित्व है तो मुझे अपने कर्मों का फल भी इसी दुनिया में भुगतना है। बल्कि भुगतना क्या, मैं तो भुगत ही रहा हूँ। एक नीम पागल बीवी को संभालना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन क्या यही सजा काफ़ी है मेरे लिए? अब मैं भी डर के साए में जीता हूँ कि पता नहीं कब मुझे अपने कर्मों का फल चुकाना पड़ जाए और मेरे साथ इससे भी बुरा हो जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगी। प्लीज़।